मॉर्निंग, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। कक्षा 9 के गणित में आज एक नया अध्याय अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको एक बार किताब और उसके अध्याय जो है उनकी जानकारी फिर से दे देते हैं। आपको ये वाली किताब लग रही है समग्र एनसीईआरटी वाली, इसमें 15 अध्याय हैं, जिसमें क्रॉस है वो अध्यायों को आपको नहीं पढ़ना है, ये कम किए गए हैं। वो कौन से पाठ्यक्रम कम किए गए हैं देखते हैं। देखिए, आपको अध्याय 1 ये नहीं पढ़ना है, अध्याय 4, अध्याय 5 और अध्याय 9। अगला अध्याय है अध्याय 3, इसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। किसी समतल में किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करनी हो तो दो संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। इन संख्याओं को बिंदु के निर्देशांक कहते हैं। संबंधित ज्यामिति को निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। एक तल में एक वस्तु या एक बिंदु का निर्धारण करने के लिए दो लंबवत रेखाएं खींची जाती हैं, जिनमें एक क्षैतिज रेखा और दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। चलिए देखते हैं। एक क्षैतिज रेखा ये खींची, ये कहलाती है क्षैतिज रेखा। दूसरी रेखा खींची, ये कहलाती ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। इसमें दो बिंदु लेते हैं, बिंदु का अर्थ अंक होता है, अंकों को लेते हैं। पहला अंक लेंगे 0 यानी शून्य, ये सबसे बीच पे होगा और इसको मूल बिंदु कहते हैं। दूसरा अंक लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ये अक्ष धनात्मक कहलाती है, इसको धन अक्ष से डिनोट करेंगे, वाई अक्ष को धन वाई से, यानी यहाँ पे जो संख्या आएगी वो धन वाली होगी। 3, 4 और 5, ठीक। इसी प्रकार एक्स अक्ष, एक ऋण एक्स अक्ष बनाएंगे, इसमें आ जाएगी ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ये कहलाएगी ऋण एक्स अक्ष। y अक्ष और ऋण y अक्ष होगा ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 और ऋण 5, ये कहलाएगी ऋण y अक्ष। ठीक, आपने समझा धनात्मक x अक्ष और ऋणात्मक x अक्ष, फिर धनात्मक y अक्ष और ऋणात्मक y अक्ष, इसे कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। एक्स अक्ष, ऋण एक्स अक्ष, वाई अक्ष और ठीक, 0 कहलाता है मूल बिंदु, 1। आगे इसके कुछ नोट्स पढ़ते हैं। माना किसी समतल में दो परस्पर लंबवत रेखाएं x और y हैं, जो बिंदु O पर एक दूसरे को कट करती है, इसे मूल बिंदु कहते हैं और लंबवत रेखाओं को निर्देशांक अक्ष कहते हैं। ठीक,
हर्ष कहते हैं और इस तल को क्या कहते हैं, निर्देशांक तल या एक्स वाई तल। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, ठीक। तो मूल बिंदु इसके निर्देशांक होंगे 0 0 मतलब एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू भी 0 मूल बिंदु के लिए, ठीक। एक्स अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक एक्स 0 के रूप में होते हैं, वाई अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक 0 y के रूप में होते हैं। वाई अक्ष को किसी बिंदु की दूरी को उसका एक्स निर्देशांक या भुज कहते हैं, ठीक। जहां एक्स निर्देशांक की बात आएगी तो एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज, और वाई अक्ष को कहते हैं कोटि, ठीक है। जब भुज की बात आएगी तो एक्स की वैल्यू ली जाएगी और जब कोटि की बात आएगी तो वाई, ठीक। देखिए अगला टॉपिक है चतुर्थांश में निर्देशांकों के चिन्ह, ठीक। अभी आपने निर्देशांक के बारे में पढ़ा, ठीक। अब आप आगे पढ़ेंगे कि चतुर्थांश किस प्रकार होंगे। देखिए ये अक्ष के बारे में आपको अज्ञात हो गया है, ये कहलाएगा एक्स अक्ष, ठीक है। क्या कहलाएगा ये एक्स अक्ष, फिर ये वाई अक्ष, ठीक। अब इसमें प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट वाला जो है वो इस खंड में होगा, इस खंड के जो भी संख्याएं रहेंगी वो प्रथम में आएंगी। इस खंड में 2 संख्याएं आएंगी, धन कोमा धन, ठीक है, ये आएंगी। मतलब कि जो x की जितने भी वैल्यू रहेगी 1 2 3 4 है ना, जैसे यहाँ हमने 4 तक लिया, इधर की संख्याओं को ले लिया 1 2 3 4 है, इसका मतलब ये जो है तल या है धनात्मक है ना, तो प्लस वाली, तो इसको अपन प्लस प्लस से डिनोट करेंगे। हमें आया क्या डिनोट करेंगे, प्लस प्लस, ठीक है। तो ये कहलाएगा प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार द्वितीय, तो द्वितीय में संख्याएं आएंगी y अक्ष की धनात्मक और x अक्ष की आएंगी ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्या ये होंगी, ऋण 2 ऋण 3, ठीक है। तो ऋण x की ऋणात्मक होंगी और ये धनात्मक, तो इसको कहेंगे द्वितीय। तो द्वितीय में आ जाएगा चिन्ह, पहला ऋण का होगा, दूसरा धन का होगा, ठीक। ये कहलाएगा द्वितीय चतुर्थांश, ठीक ठीक। इसी प्रकार तृतीय, तृतीय में आपकी ऋणात्मक संख्याएं आएंगी और वाई अक्ष की भी ऋणात्मक संख्याएं होंगी, यहाँ भी ऋण संख्याएं ही होंगी, तो ऋण कौमा ऋण, ठीक। ये कहलाएगा तृतीय चतुर्थांश, ठीक। इसी प्रकार चतुर्थ के लिए x की संख्या धनात्मक और y अक्ष की ऋणात्मक, तो दोनों तल की एक धन और एक ऋण होगी, ठीक। ये कहलाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। अब स्टूडेंट्स को एक उदाहरण ले लेते हैं हम, कि संख्या लिखी है, देखिए हम एक संख्या लिख रहे हैं यहाँ पे 3 और 8, ठीक। तो दोनों क्या है, धनात्मक है, कोई भी चिन्ह नहीं है, तो दोनों धनात्मक किसमें होंगी, प्रथम, क्योंकि यही होगा 3 और 8। आया समझ में, 3 यानी एक्स निर्देशांक और 8 मतलब वाई निर्देशांक, ये एक्स वाई की वैल्यू होगी। इसी प्रकार ऋण 2 और 5 4, तो ऋण 2 और 4 किस चतुर्थांश में होगा, जहां एक ऋण और दूसरा है स्थल, यानी द्वितीय चतुर्थांश में होगा, यहाँ लिखेंगे ऋण 2 और ये 4।
धन पांच और ऋण तीन, ये चतुर्थ में जाएंगे। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? इसका एक सवाल इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से प्रत्येक का उत्तर दीजिए। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है? आपको बताया मैंने अभी, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को कहते हैं वाई अक्ष। इन रेखाओं से बने प्रत्येक भाग के नाम बताइए। प्रत्येक भाग में आपको बताया था यह होता है प्रथम, चतुर्थांश, यह होता है द्वितीय, चतुर्थांश, तृतीय और ये चतुर्थ, चतुर्थांश। ठीक, आगे उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है। ठीक, ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पे कट कर रही है वो बिंदु है O, वो कहलाता है मूल बिंदु। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन के पूरे आंसर हुए। इसको आप लिख लेंगे तो ऐसे ही चित्र बनाएंगे और लिखेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर दो बहुत ही सरल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। ठीक, आपको ये आकृति यहाँ दी गई है, इसमें आपको ये बताना है कि B के निर्देशांक क्या है। ठीक, सबसे पहले देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानकारी में हो गया है कि x अक्ष y अक्ष, x अक्ष के बिंदु दिए हैं मूल बिंदु और निर्देशांक दिए हैं। ठीक, अब B के निर्देशांक निकालना, तो B कहाँ है पहले ही देखते हैं। B जो है वो मेरा B जो है किस निर्देशांक में आता है, ये चतुर्थ चतुर्थांश में से कौन से वाले में आएगा, ये आएगा आपके द्वितीय में। ठीक है, तो द्वितीय के जो निर्देशांक हैं ये आ जाएंगे यहाँ। देखिए, के लिए देखिए, आप बहुत सरल तरीके से समझें इसको, है आएगा आपको समझ में। ये आगे दृष्टि के लिए लाइन बनी है और यहां से ये लाइन। ठीक है, तो इसके निर्देशांक हुए पहले x लेते हैं ना, तो पहले लेंगे x के निर्देशांक। तो x के निर्देशांक करंट पांच था और y का ये दो है। ठीक है, देखिए यहाँ ये दो लिखा था और यहाँ ऋण पांच। ठीक है, तो b के निर्देशांक मालूम हो गए आपको कि ऋण पांच और दो है। ठीक, इसी प्रकार c के निर्देशांक, c कहाँ है ये देखते हैं। देखिए C, that's the point, हाँ, तो C के लिए चतुर्थ में है ना, तो चतुर्थ के लिए क्या वैल्यू होगी आप बताइए, एक x होगी और एक माइनस की संख्या होगी। ठीक है, तो ये पांच के पास है, ये पांच और ये डॉटेड है, इसका मतलब इसी के निर्देशांक होंगे। पांच ये होगा, ये ऋण पांच, तो सी ने पांच और ऋण पांच। ठीक है, तो एक्सप्लेन आया समझ में। तीसरा हल करते हैं, दोनों ऋण है, ये तृतीय में जाएगा। तृतीय के लिए पहचाना गया बिंदु क्या होगा, ई है, ये ई आया समझ में। यहाँ पे दोनों संख्याएं क्या है, ऋणात्मक है, ऋण तीन ऋण पांच, इसके निर्देशांक होंगे ऋण तीन
पांच, ठीक। नेक्स्ट फोर, बिंदु डी का भुज। डी का भुज क्या है? डी कहां, वेयर इज डी? तो डी जो है ये डी का भुज होगा, क्या होगा? सिक्स होगा, डी का भुज है सिक्स। फिर एच की कोटि, इसी प्रकार ऋण तीन, बिंदु एल के निर्देशांक, एल के निर्देशांक जीरो और पांच में, एक्स की वैल्यू नहीं दी है तो पांच है, वाई की वैल्यू है, फिर एन के निर्देशांक ऋण तीन और जीरो, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु ऋण दो चार तीन ऋणे ऋणे जीरो एक दो और ऋण तीन पांच स्थित है तो कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर स्थापित कीजिए, ठीक है। आपको बताया है मैंने कि ऋण दो और चार है ना, तो ये किस चतुर्थांश में होगा, बता सकते हो? दो और चार, यह आपका फर्स्ट था, यहां दोनों ऋणात्मक संख्या है, यहां पे आपका एक ऋण और एक धन, दो संख्या है, फिर दोनों ऋण की चार संख्या है, और यहां भी चतुर्थ में एक धन और एक ऋण, ठीक है। अब आप देखिए गैस इसको इससे ये करिए, आप तुलना कीजिए, तो ऋण दो और चार किस स्थान में जाएगा? ऋण दो और चार जाएगा ये वाले स्थान में, ये जाएगा द्वितीय में, आ रहा समझ में? ये सेकंड में जाएगा, क्या लिखा है उत्तर में? दूसरा चतुर्थांश, ठीक है ना। इसी प्रकार तीन और ऋण एक, बताइए आप तीन और ऋण एक किस में जाएगा? इसमें जाएगा, ये वाले तीन ऋण एक इस संख्या में होगा, धन तीन ऋण एक, ये जाएगा चौथे में, ठीक। इसी प्रकार ऋण एक और जीरो, ठीक, ऋण एक और जीरो जाएगा द्वितीय में, तो क्या लिखेंगे यहाँ? दूसरा एक्स अक्ष, फिर एक और दो, धन एक और धन दो, ये जाएगा प्रथम में, ठीक, और ऋण तीन और ऋण पांच ये तृतीय में जाएगा, ठीक। आए समझ में? ये जाएगा तीसरे चतुर्थांश में। स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप ग्राफ कॉपी में अच्छे से हल करेंगे। आज का होमवर्क है, होमवर्क है निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हैं, चतुर्थांश कितने प्रकार के होते हैं ग्राफ कॉपी पर बना के बताइए, फिर प्रश्नावली जो आपको समझाई थी वो भी आपको कॉपी में लिखना है और हल करना है, और इम्पोर्टेंट चीज प्रैक्टिस करनी, ठीक है।